I mean, why Surya was made the captain? Because he's one of the deserving candidates. Yeah, one, he's got a good cricket brain. He's still one of the best T20 batters in the world. One of the main issues, obviously, was you want a captain that's going to or likely to play all the games. We think he's a deserving candidate, and hopefully we'll see over time. दोस्तों श्रीलंका दौरे पर जाने से पहले टीम इंडिया के नए नए हेड कोच बने गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 25 मिनट की इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में से मैंने सबसे जरूरी 9 सवालों और गौतम और अजीत द्वारा दिए गए उनके जवाबों को आसान भाषा में आपको समझाने के लिए ये पूरी सीरीज बनाई है। इस सीरीज में 9 वीडियो हैं। हर वीडियो में टीम इंडिया से जुड़े बेहद जरूरी सवाल पर कोच गंभीर और सेलेक्टर अजीत का जवाब है, जो हर एक क्रिकेट फैन को जानना जरूरी है। इस वीडियो का सवाल है कि आखिर हार्दिक को छोड़कर सूर्य कुमार यादव को ही क्यों T20 टीम का कप्तान बनाया गया। दोस्तों जब से श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय स्क्वाड का ऐलान हुआ, तभी से सोशल मीडिया पर फैंस का यह सवाल था कि आखिर क्यों सूर्य कुमार यादव को T20 टीम का कप्तान बनाया गया और क्यों हार्दिक को नजरअंदाज किया गया। पहले तो तमाम क्रिकेट पंडितों ने अपने अपने विवेक और रिपोर्ट्स के हवाले से इसका जवाब दिया, लेकिन अब आखिरकार खुद कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने इसका जवाब दे दिया है। अजीत अगरकर ने कहा, सूर्य कुमार यादव एक डिजायरिंग कैंडिडेट है। वह नंबर एक T20 बल्लेबाज हैं। उनके पास शानदार क्रिकेटिंग दिमाग है और सबसे बड़ी बात, वह सारे मैच खेल सकता है। दोस्तों हार्दिक के बारे में अजीत ने कहा, वह अभी भी हमारे लिए बेहद जरूरी खिलाड़ी है। उसके पास जो स्किल्स हैं वो मिलना मुश्किल है, लेकिन पिछले कुछ सालों से उसके लिए फिटनेस एक बड़ा चैलेंज रही है। अजीत अगरकर ने दोनों के बारे में बात करने के बाद कहा कि हमने एक रात में बैठकर यह फैसला नहीं किया है कि सूर्य कुमार यादव T20 के बेहतर कप्तान हो सकते हैं, बल्कि इसके लिए हमने कई महीने लिए हैं, ड्रेसिंग रूम से फीडबैक ली है, सभी पैरामीटर देखे हैं और तब जाकर के हमने दोनों से बात करके ये फैसला लिया। अजीत ने यह भी बताया कि अब जब हमारे पास एक बेहतर T20 टीम बनाने के लिए 2 साल का वक्त है और एक्सपेरिमेंट करने का काफी समय है, तो उन्होंने रीसेट बटन दबाने का फैसला किया है, क्योंकि टीम इंडिया के लिए T20 विश्व कप 2026 ही T20 का अगला टारगेट है, जिसमें अभी भी 2 साल का वक्त है। दोस्तों चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के जवाब से मैं तो संतुष्ट हूं, क्योंकि जब एक कप्तान पूरे मैच ही नहीं खेल पाएगा तो टीम को लीड क्या करेगा। ऊपर से जब वो नहीं होगा तो बैकअप कप्तान के रूप में आपको एक खिलाड़ी और रखना पड़ेगा। इतनी सब भसड़ से तो ठीक है कि एक स्टेबल कप्तान बना दिया जाए, और मौजूदा समय में सूर्य कुमार यादव एक अच्छे कप्तानी के विकल्प हैं। बाकी इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि क्रिकेट से जुड़ी जानकारी से भरी अच्छी और पुख्ता वीडियोस का डोज आपको रोज मिलता रहे। दोस्तों मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।